सत श्री अकाल डॉक्टर संतोख सिंह चंडीगढ़ तो अज मैं फिर पेश होया थोड़े सामने तो मैं समझावगा कि शरीर के कोई भी नुक्स पैंदा है किसी भी पासे नुक्स पैंदा है हार्ट किडनी के कोई नुक्स पैंदा है या लीवर च कोई नुक्स पैंदा है या कोई फंगस इनफेक्शन होंदी है उहदी जिहड़ी मार्किंग है उहदी जिहड़ी लक्षण ने उह साडे जबान ते अख ते चमड़ी ते नोह ते दिखदे ने। तो मैं जनरल अवेयरनेस वास्ते वीडियो बना रहा है कि तुसीं अपने अख ते नक अपने जीभ ते चमड़ी ते नाखों नूं देख के बीमारी डिटेक्ट कर सकते हो शक कर सकते हो शक करके डॉक्टर कोल जा सकते हो कि डॉक्टर साहब ये चीज़ मैनूं हैगी है इहदा तुसीं टेस्ट करवाओ ये देखो ये है कि नहीं। ये जस्ट एक सिग्नल है कोई साड़ी बॉडी प्रॉब्लम आती है सानूं बॉडी सिग्नल दिंदी है कित्थे दिंदी है दोबारा बोल रहे हैं आईज टंग स्किन नेल्स तो हेयर से भी दिंदी है वो बाद समझाऊंगा पूरा। अच्छा आप गल करते हैं नाखून की नाखून बहुत कुछ दसदा है साड़ी डेफिशेंसी के बारे में साड़ी हार्ट प्रॉब्लम जिन्हों किडनी की प्रॉब्लम हैगी है सानू कि पोषक तत्व की कमी हैगी है वह नाखून देख के तुम जज कर सकते हो। मैं साइंस के जेडे औखे औखे टेढ़े मेढ़े अखरों मैं पंजाबी के सौखे अखरों में परो के तुम समझावगा अच्छ घट तो घट मैं तुम्हें 11 तरीके के नाखून दसागा 11 तरीके के शॉर्ट के कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो भी नाल तुसी वो देखो अपने नाखून ना मैच करो अगर मैच करता है वो जो चीज़ मैं बोली है वो तुसी अपने डॉक्टर कंसल्ट करके उदा टेस्ट करवाओ उन्हों कहो कि ये देखे मैनू की प्रॉब्लम तो नहीं हैगी अगर नहीं हैगी है छड़ दो अगर हैगी है इलाज करा लो अगर नहीं हैगी है ध्यान रखो वो अज नहीं तो कल हो सकती है ये सानू पढ़ाया गया साइंस के ठीक है जी। अब पहली गल शुरू करते हैं अपने नाखून जोड़े है हॉरीजोंटल कट पैना ये होंगी है विटामिन बी वन इसे C12H17N4OS सी कार्बन हो गया एच हाइड्रोजन होगी एन नाइट्रोजन हो गया तो एस सल्फर होगी तो ये सब का बन के एक बनता विटामिन B1 बहुत ही ज़्यादा लोग इसकी कमी ना पाए जाते हैं तो पकड़े नहीं जाते उसका सौखा तरीका पकड़न का की है मैं तुम्हें दिखाना है आ देखो ये जड़े नाखून है ये हॉरीजोंटल लाइन पई हैं जिस भी मतलब पंजाबियों के अपने जिस भी मरीज के जिस भी बंदे दे लाइन पई हुई ने यह B1 की डेफिशेंसी हैगी है B1 के नाल बैरी बैरी हुंदा है बैरी बैरी बहुत कुछ हुंदा है बैरी बैरी के अखा भी टेडिया हो जाएं ने मतलब एंगजाइटी स्ट्रैस एंड ऑल दैट आईज क्रॉस हो जाती हैं पर आप नाखून पकड़ना है नाखून के असर पैंदा है दोबारा दिखा दो एक बार कि यह देखो साफ तुम दिख रहा है कि वर्टिकल लाइनस है ठीक है जी। हूँ आप गल करांगे जिहड़े नो चिट्टे हो जाते हैं उन्होंने कहते हैं ल्यूकोनाइकिया ये नाखून थोड़ा चिट्टा होंगे किसी का पूरा हो जाता है ठीक है जी। एक किसी किसी थे माड़े माड़े चिट्टे चिट्टे दाग होंगे ने अगले दसूंगा पॉइंट के आप गल करते हैं चिट्टे नाखून की जिसे काफ़ी ज़्यादा चिट्टा हो जाता है तो पूरा भी हो जाता है तो तुम यह वीडियो देखो तुम ये देखो आ देखो आ नाखून है ये देखो उपरला हिस्सा जोड़ा क्रिटिकल होंगे ये बद गया अगे तक आ गया ये एक आ कंडीशन होंगी है एक कंडीशन होंगी आ वाली बिल्कुल चिट्टा हो गया जोड़ा बिल्कुल चिट्टा हो गया ये कई हार्ट दॉब्लम कई प्रोटीन डेफिशेंसीज करके चीज़ा होंदिया ने ये मतलब कि आप हार्ट के प्रोटीन पर खास ध्यान देना है जेडे लीवर के उत्ते भी जो खास टैसटिंग करनी है जिन्हें नक जिन्हें अपने नाखून जोड़े है ये चिट्टे है ये बहुत कुछ सू शो करते हैं तो ये आप वास्ते अपने टैसटिंग करवाइए तो तुहानू कोई क्वेश्चन होएगा मैंने इनबॉक्स करता मैं जवाब देने की कोशिश करांगा तुहानू ठीक है जी। आप उस तो गल करते हैं उस तो बाद तीजी चीज़ की जरा अपना तीजा नाखून जो होंगे ना पीला नाखून पीला भी हुंदा है यह भी देखो जी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जे ज़्यादा स्मोक करते हैं जिन्होंने सरोसिस हैगी है सरोसिस ऑटोम्यून डिजीज हैगी है जिन्होंने ऑटोम्यून डिजीज हैगी है उन्होंने भी ये हो सकता है थायराइड वाले बंदे भी हो सकता है ये जिन्होंने ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपना स्मोकिंग छड़ देन ते फंगल दी चेकिंग करवान ते सरोसिस ऑटोम्यून डिजीज हैगी है पीले नाखून नहीं होंगे
पीले नाखून आप पीलिया नहीं मनना, ये पीले नाखून है, चमड़ी पीली नहीं हैगी साड़ी, तो ये थायराइड प्रॉब्लम के नाल भी पीले हो जाते हैं, वह टैसट करवा लेना अपना। तो उस तो बाद आप दिखाने तू अगली चीज़ जोड़े है नीले नाखून, हाँ देखो ये साइनोसिस कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होना, ठंडी जगह पर हाथ पैर रखना, या जिन्होंने ऑक्सीजन की अस्थमा हैगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैगी है, जिन्हों के खून के विच ऑक्सीजन की कमी हैगी है, उन्होंने नाखून जोड़े है वो नीले हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी करके नीले हो जाते हैं, या आप ठंडी थान पर पैर रखा नाखून साढ़े नीले हो जाते हैं, आप नॉर्मल चीज़ें नाल नीले होंगे ने, तो ये भी जोड़े बंदे नाखून नीले हो रहे हैं, खून च ऑक्सीजन की कमी हैगी है, कमी किस तरह होंगी है, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज के नाल COPD ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के नाल खून च ऑक्सीजन नहीं आ रही, वो अपने जांच करवा सकते हैं चीज़ों। अच्छा उस तो बाद दिखाना है कि रिपल नेल्स, मतलब कि जोड़े होंगे ना स्टेट से लेना पैदा है, हाँ देखो इस तरह पैदा उपर एरिया आ लेना है ना, ये शो कर दिया कि तोड़े स्किन दे विच, तोड़ी त्वचा दे विच विटामिन सी की कमी हैगी है, डर्माटाइटिस, डर्मा मीनस स्किन, सीखो थोड़े अंग्रेजी का अखर, डर्मा मीनस स्किन, डर्माटाइटिस उदे इनफ्लामेशन, कोई स्किन का रोग हैगा उस स्किन का रोग तो ठीक कराओ, नाखून आपे ठीक हो जाएंगे। उस तो बाद तो मैं सुनाना हूँ अगली चीज़ जी हैगी है, अपना नाखून टुट जाते हैं, जोड़े आपे टुट जाते, देखे ना क्रैक पी जाते हैं लोगों के, भैन जी मेरे नाखून टुट गए, देखो मैं क्रैक ए पै जाएगा, कभी ए पै जाएगा, उन्होंने कहते हैं आप बिटर नेल्स है ना, ये आ देखो ये जी चीज़ होंगी ना, तीन चीज़ें डेफिशियंसी है, ये एक हैगी है बायोटीन की, एक जिंक की, एक अमाइनो एसिड की, एक हैगी है बायोटीन, बायोटीन मिलता है ग्रीन चीज़ा तो, बायोटीन मिलता है ब्रोकली तो बायोटीन दोलियां भी मिलती हैं, बायोटीन ये सब न्यूट्रासूटिकल चीज़ा है, तो जिंक, जिंक ड्राई फ्रूट्स तो मिलता, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का जड़ा, प्रोटीन का जड़ा पार्ट है, कई प्रोटीन घट खाते ने उन्होंने भी नाखून टुटते ने, जेडे नाखून बनते ने दे आर मेड फ्रॉम कैलोजन 1 नॉट 2, ये मिनिस्कस नहीं है, नाखून है, नाखून बाल स्किन की जी तड़ हैगी है, नाखून तड़ बाल की तड़, तो स्किन की तड़ ये हैगी है कैलोजन 1 दैट इज मेड फ्रॉम बायोटीन जिंक एंड अमीनो एसिड्स के विच, तो तुम एक तुम प्रॉब्लम आती है तो मैं इनबॉक्स करना तो मैं जवाब दे दाँगा। आप अगली गल करनी है कि जोड़ा नेल ही काला हो गया थोड़ा जहा पार्ट, देखो तुम दिखाना, हाँ देखो बिल्कुल लाइन काली होगी सेंटर के, बाकी नेल ठीक है ये काली होगी, जोड़े आ बंदे है ना ये डॉक्टर को पक्का जान, स्किन वाले को जान, स्किन की बायोप्सी होएगी, जरा तुम काली चीज़ माड़ी होंगी है, काला नाखून एक सेंटर से लाइन आनी गलत होंगी है, ये स्किन वाले को जान, वो स्किन की बायोप्सी करके चेक करेगा तो की चीज़ा होर हो सकती हैं ने। अच्छा एक अपनी गल तुम गल दसदा अगली, जोड़े बच्चे देखे बच्चे अच्कल पढ़ते हैं सारे नौ खा देंगे ने, नेल कटर की लोड़ ही नहीं, नेल कटर से जंग लग रहा नाखून खा लेंगे मूँह के नाल, तो च्यूइंग करते हैं, आ तुम दिखाना, आ लो जी ये अक्सर बच्चे जो पढ़ते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं उन्होंने होंगे है हर घर च पाए जाएंगे, मेरी वीडियो हिट ताई होंगी है कि मैं वो चीज़ बोलता जो आम लोग फेस करते हैं, तुम्हें तो समझ नहीं लगता कि ये हो ही रहा, नेल सब कुछ दसदा है, शकल सब कुछ दसदी है, जो पुराने वैद से तो नवल फड़ के पूरी हिस्ट्री कर देते बंदे की तो आप हूँ नवे वैद है, आप नवे डायटिशियन है, आप नवी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, असं स्किन तो टैक्सचर तो नेल्स तो चैक कर सकते हैं, जी आ चीज़ हैगी है ये बच्चा स्ट्रैस के विच है, ये बच्चा पढ़ता घट पे स्ट्रैस ज़्यादा है या पढ़ भी रहा है स्ट्रैस के नाल 99.2% नंबर आ रहे हैं 99.25 क्यों नहीं आ रहे, देखो बताओ 0.05 का फर्क, ऐसे बच्चे जोड़े होंगे ना जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जोड़े बहुत सिंसीयर ने जिन्होंने रिजल्ट नहीं मिलता, देखो एजुकेशन लैनी उनू पढ़ना तो उन्हों एग्जाम देना, हूँ जोड़े तुम PMT क्लीयर करते हो लास्ट बेचारा रह जाता है बेचारा PMT तो बाद उस बाद कट ऑफ हो जाता है, जोड़ा बच्चा रह गया वो कोई कमी सी गल समझो मेरी, एक कॉम्पीटिशन आ गया अजकल
कॉम्पीटिशन आ गया है, मेडिकल दे विच भी हों, कई चीज़ां अलग अलग तरीके दी आई हैं, बच्चा होर कुछ भी कर सकता है। असी सारे ना सोचिए कि सब डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर दे नाल होर बहुत फील्ड्स हैगी हैं, PhD इन जेनेटिक्स, PhD इन सेल कल्चर, PhD इन मतलब जो भी हर चीज़ दे विच बायोकेमिस्ट्री, बहुत कुछ आ गया चीज़ां। लायक बच्चे नूं तुसीं इहना सोचो कि डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर दे डॉक्टर कुछ नहीं है, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, वो पिछे जो जेनेटिक्स है ना, जो बंदे बैठे ने वो फील्ड काम करते हैं, ठीक है। आपां बच्चे दे ज़्यादा स्ट्रैस ना दीए, असी बच्चे नूं पढ़ाईए, तो पढ़ा के उन्हूं जो उहदी इच्छा हैगी है वो काम करन दीए, वो इच्छा के अनुसार रब अपने आप अगे अगे कोई लाइन तक पा देगा। अगर तुसीं स्ट्रैस ठीक नहीं करोगे ये ठीक नहीं होना, आ स्ट्रैस रिलेटेड हैगा, इहदा कोई हल नहीं है, स्ट्रैस ठीक करो। अगली चीज़ मैं दसदा तुहानूं, मैं जिहड़ा कहिंदा ना वाइट नेल हुंदे आ, वाइट नेल एक ना थां थां ते वाइट वाइट माड़ा माड़ा आ जांदा, फिर बंद हो गया है। आ जिहड़े वाइट नेल हुंदे ने लैणा पैंदियां जिहड़ियां हल्कियां हल्कियां जिहड़ियां स्पॉट पैंदे ने, ये सट नाल भी पै जांदे आ, कोई चीज़ लग गई उत्थे वाइट हो गया, एक जिहड़ा क्यूटिकल हैगा ये स्किन तो अलग हो गया, वो वाइट हो जांदा है, वो नेल वधेगा बाहर निकल जाएगा। एक ये है मिनरल जिंक, जिंक डैफिशेंसी, उन्होंने पहले समझाया नंबर दो तो जो वाइट नेल हो जाता वो अलग चीज़ हैगी है, वो लंबी चौड़ी प्रॉब्लम हैगी है, जोड़े आ थां थां ते वाइट वाइट ये आम लोगों के 100 की 60 बिना च पाया जाता है, दैट इज जिंक डैफिशेंसी। जिंक के नाल साढ़े सारे हॉर्मोन के को फैक्टर हैगा, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन इन मेल एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल के भी जिंक का बहुत व्डा रोल हैगा, हॉर्मोन के कैटलिस्ट है, को फैक्टर है, बहुत थोड़ी ही चीज़ हैगी है, यदि कमी होगी वो नहीं बनेगा, पर स्किन पर असर दिखता है, जिसे स्किन के उत्ते वाइट स्पॉट पैंदे ने वो स्किन का असर दिखेगा। आ देखो तुम आ साइड से देखो ना बिच बिच, ये वैसे पैर का है मेरा ख्याल है, ये उंगलों में भी पै जाता, उंगलों के भी ये चीज़ा ये वाइट स्पॉट दियाँ पै जाए। तुम एक चीज़ होर देखी होनी है कि नाखून ना बिल्कुल क्लब होंगे, क्लब बिल्कुल कन्वैक्स है टेढ़े इस तरह, ये बहुत घट है, मेरे को कई पेशेंट है जो दुकान पर आते हैं, बट दे आर ए सिमटोमैटिक शुक्र है, पर ये काफ़ी मेजर डिजीज़ नूं डिनोट करते हैं। आ वीडियो देखो तुम पहले, ये क्लब नेल ने, ये जिन्हों ये प्रॉब्लम हैगी है, ये जी प्रॉब्लम हैगी है ये हार्ट की किसी डिजीज़ नूं डिनोट करती है, ये लंग्स की किसी चीज़ नूं भी डिनोट कर सकती है, ये हार्मलैस भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है जिन्हों ये है चीज़ा हो पर ये सुस्पेक्ट हैगे हैं, चैक करवा लेन, अगर ठीक है तो आराम ना कर लिया, मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, मैं एजुकेट कर रहा, ठीक है जी। अगर इन्हों जिन्हों का आयरन घट है, अनीमिया, अनीमिया जो पेशेंट है, अनीमिक पेशेंट है, यदा पक्का ही होंगे परमानेंट एनीमिक है ना, जो वादा ही नहीं है, या जो मैं देखा कि पीटा थैलसमिक ट्रेट जो माइनर ट्रेट है वो पॉजिटिव आते हैं, उन्होंने भी हो जाते हैं ये चीज़ा। तो बाकी कॉपर देखो सानू ना सारे मैटल्स की लोड़ होंगी है शरीर के, माड़ी माड़ी ज़्यादा नहीं मिलीग्रामा के भाजी, ग्रामा च नहीं मिलीग्राम के, एक आड़ा कड़ा पाना असी ग्रामा से लैना है, मिलीग्रामा लोड़ होंगी है, वह भी नैचुरल फूड के, जेडे कॉपर कंटेनिंग फूड है वो ज़्यादा खान, ये नैट सर्च मार लन, तुम कहो तो मैं तुम्हें दस भी देवगा, इनबॉक्स कर देना। अच्छा मैं अगली गल करदा लास्ट 11वां नेल, वो हैगा हरा ग्रीन, देखो आ ग्रीन नेल है, ये ग्रीन नेल कित्थे हुंदा है, या तो ये बंदे ने किसी कैमिकल दे नाल, कैमिकल दे नाल छेड़छाड़ की है, या इनू कोई बैक्टीरिया हुंदा है सुडोनोमास, सुडोनोमास बैक्टीरिया हुंदा है, तो उहदी इनफेक्शन हैगी है, या इन बंदे ने वो गंदे स्विमिंग पूल दे विच स्विमिंग की है जिहदे विच क्लोरीन नहीं सी, अजकल स्विमिंग पूल होंगे ने शहरों के उसे क्लोरीन जा पाते हैं, इस वास्ते पाते हैं कि ये चीज़ा ठीक हो जाए, सारा कुछ सैनिटाइज हो जाए, जिसे क्लोरीन घट पाते हैं या गंदा बार बार नहीं पाते हैं वो वाटर खराब हो जाता है, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम आ सकती है। हरा बिल्कुल देखो क्लीयर सगा हरा स्पॉट पैंता है, इतने अगर ये स्पॉट पै रहा है तो समझ लो तुम या तो तुम किसी कैमिकल हथ लाया है, या स्विमिंग कर रहे हो तो उस क्लोरीन नहीं हैगी, या इनफेक्शन सुडोनोमास, सुडोनोमास की इनफेक्शन हैगी है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैगी है, वो असी तो इस टाइम डायरैक्ट दस नहीं सकते, इनबॉक्स कर दो, कस्टमाइज ट्रीटमेंट होंगी है, वो तो दस सकते हैं बाद चो, ठीक है जी। उम्मीद है तुहानू मैं जिहड़े 11 तरीके दे नाखून दसे हैं, नाखून एक जिहे नहीं होंदे रंग बिरंगे नाखून है, नाखून तो नाखून तुहाडी न्यूट्रीशनल, तुहाडी
मिनरल्स की कमी, तुहाडे विटामिनस की कमी, तुहाडे डाइट की कमी, वो तुहाडे नाखून तो दिखती है। मैं दोबारा बोलता है, ये अपने स्किन तो दिखती है, अपनी जीभ तो दिखती है, अपनी अखा तो दिखती है, नाखून तो दिखती है। नाखून वाला काम मैं करता, बाकी जो पार्ट रह गए ने मैं वीडियो फिर दोबारा बनावांगा। ओके जी, संतोख क्लीनिक, संतोख गैट क्लीनिक वालों सत श्री अकाल, टेक केयर।